बैंक में काम हो गया, यहाँ पे सीडीएम नहीं कस्टमर सर्विस पॉइंट जो पंजाब नेशनल का है यहाँ पे भी काम हो गया। अब यहाँ से निकलना है, थोड़ा चौदन गाँव के पास जाना है। बॉस व्हाट्सअप, कैसे व्हाट्सअप? अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 के आसपास। मैं थोड़ी देर पहले उठा हूँ, आज छुट्टी है कॉलेज का, सैटरडे है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर तक सोना हो गया, तो ये आदत जो है मुझे चेंज करना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा पहले, मतलब पहले से थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ रहा हूँ आजकल, पहले तो और भी ज़्यादा लेट हो रहा था। है यहाँ पे देखो वेदर कितना बढ़िया है, एकदम मस्त सा वेदर है। आसमान तो वैसे ही हर दिन 2-3 दिनों से काफ़ी बढ़िया लग रहा है बादल देखने में, और वेदर भी काफ़ी सही है, धूप ज़्यादा नहीं है, एकदम हल्का हल्का सा है, और हवा भी काफ़ी सही चल रहा है। ये सारे बेबी के खिलौने थोड़े बहुत यहीं पे रखे हुए हैं, एक बार छत में चलते हैं ना, छत से जो है ये व्यू और भी मज़ेदार लगेगा, यहाँ से उतना भी बढ़िया नहीं। ये देखो यहाँ से धूप का भी पता चल रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही धूप है, लेकिन हवा भी काफ़ी मस्त दे रहा है, देख सकते हो कितना बढ़िया हवा चल रहा है। टी वी सी का साइड देखो, कितना ज़ोर से साउंड हुआ, पता चल रहा होगा कितना तेज़ हवा चल रहा है, दरवाज़ा ऐसा धप करके जाके लगा। डी बी सी का साइड देखो कितना मस्त चमक रहा है, और बादल भी काफ़ी सही है चारों तरफ, इधर भी। बस दिक्कत थोड़ा सा ये है कि घर के अंदर से धूप का जो तापमान है वो समझ में नहीं आ रहा था, अभी ऊपर मैं देख नहीं पा रहा, धूप थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वेदर काफ़ी सही है, एकदम मस्त। चलो खैर ब्रेकफास्ट करना है मुझे, लेट तो हुआ है मुझे भी पता है, लेकिन ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद निकलना है बाहर, जाना है, कुछ काम है बहुत सारा, वो भी निपटना है। ये देखो आगे देखो पता चलेगा, वहाँ पे सामने दिख रहा है जितने भी पेड़ पौधे कितना बढ़िया तरीके से हिल रहे हैं, और हमारे गार्डन में भी दिखा सकते हो, हवा काफ़ी मस्त है, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया हवा है। अगर ऐसा ही वेदर चलता रहा तो बाहर घूमने में मज़ा आएगा। जैसे इलाहाबाद बैंक में सुबह अंदर चला गया, बाइक यहाँ पे रखा हुआ, ये शायद अंडाल के अंदर सबसे पुराना बैंक है। चलो अंदर चलते हैं, थोड़ा काम करके आते हैं। थोड़ा बहुत हुआ गाइस, मतलब बैंक में काम हो गया, यहाँ पे सीडीएम नहीं कस्टमर सर्विस पॉइंट जो पंजाब नेशनल का है यहाँ पे भी काम हो गया। अब यहाँ से निकलना है, थोड़ा चौदन गाँव के पास जाना है, थोड़ा वहाँ पे भी काम बाकी है, वो भी काम करके आते हैं, फिर देखेंगे बाद में। उधर उधर है, थोड़ा काम कर रहे हैं, फिर हम निकलते हैं। धूप है इस टाइम पे उतना भी तेज़ नहीं। वेदर अभी काफ़ी सही है बाहर का, देख सकते हो धूप बहुत कम हो गया, और सुबह की तरह ही हवा भी काफ़ी सही चल रहा है, आसमान में बादल तो और भी मज़ेदार लग रहे हैं सुबह से मुकाबले। और वापस घूम के आ चुका हूँ, बाहर थोड़ी देर तक था, मज़ा आ रहा था, मतलब थोड़ी देर बहुत टाइम था, 11:30 निकले थे, अभी 1:30 टाइम हो, 2 घंटे से ऊपर हो गया, काम भी थोड़ा बहुत हो गया इधर उधर का, अभी थोड़ी देर में नहाना है, फिर क्या कुछ और काम होगा तो देखेंगे, नहीं तो टाइम पास करेंगे। भी अभी नहीं नहाऊंगा, अभी 1:30 बज रहा है, नहाने में टाइम है, थोड़ी देर बैठते कहीं। इतना ज़्यादा आलस आ गया ना इस शरीर में, क्या बताऊँ, मतलब रात को भी सो रहा हूँ तो सुबह जल्दी नहीं उठ रहा हूँ, अगर दोपहर को भी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सो रहा हूँ, मतलब सो रहा हूँ क्या, नींद नहीं आ रहा है, सो के कुछ फिल्म देख रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा आलस हो गया शरीर में, वो अभ्यास हो गया, मेन बात यह है कि अभी भी उठने में देखो 7:15 टाइम हो गया, नीचे जाना था, कैफे में बैठना था, चलो बहुत ज़्यादा लेट तो हो गया, लेकिन फिर भी अभी चलते हैं, अभी उठाऊँ तो अभी चलता हूँ। देखो बाहर अंधेरा बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ, है ना, वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गया। ऐसे उठने का मतलब है कि सो नहीं रहा था मैं, क्योंकि रात के अलावा मैं तो सोता नहीं हूँ, मतलब नींद नहीं आता है मुझे, लेकिन अभी इस टाइम पे फिल्म देख रहा था, उसी के चक्कर में लेट हो गया। तो एक बढ़िया फिल्म है जो कि देख सकते हो, उसका नाम है महाराजा, साउथ इंडियन फिल्म है, उसका स्टार कास्ट है हमारे विजय सेतुपति सर, क्या फिल्म बनाए, मास्टर पीस है, अनुराग कश्यप सर जो डायरेक्टर है वो भी हमारे गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो वो है उस फिल्म एज ए नेगेटिव कैरेक्टर, और क्या कैरेक्टर बना है, और विजय सेतुपति सर का क्या एक्टिंग, फिल्म एकदम मतलब अलग ही लेवल का ट्विस्ट एंड थ्रिलर फिल्म है, वो देखने में जो मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद एक बढ़िया फिल्म देखा है, ये सचमुच बहुत ज़्यादा बढ़िया फिल्म,
तो चलो अभी नीचे चलते कैफे में बैठते हैं। आसमान कितना बढ़िया लग रहा है देखो, एकदम चारों तरफ सिर्फ बादल है काले और उसके साथ ये सिर्फ चांद दिख रहा है, सिर्फ चांद थोड़ा और। चलो अभी यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, बंद करते। वैसे काम हुआ नहीं है क्योंकि हमारा जो प्रिंटर है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया पड़ा है, नॉर्मल काम हो रहा था। बाकी सर फॉर्म भी लाते थोड़ा सा बाहर से घूम के आया था, सैटरडे बस ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा पैदल चल के आते। ये गेट भी बंद कर देंगे फिर निकल लेंगे। घूम के वापस आ गया गाइस और बाहर गर्मी थोड़ा सा है इस टाइम पे, तो दोपहर के टाइम में बारिश हुआ था फिर भी गर्मी उतना कमा नहीं। और एक चीज़ दिखाता हूँ, एक छुपा हुआ है देखो, कैसे छुपा हुआ है देखो, भाग जाएगा देख लिया तो उसने। ये देखो दिख रहा है कैसे मस्त छुपा हुआ है, यहाँ पे छुप छुप के खेल रहे हैं एकदम पूरा तैयार गाइस। मैं थोड़ा सा सर्दी लग गया बीच में, बहुत ज़्यादा बारिश में भीग रहा था ना, मम्मी तो बोल रही थी कि बारिश में मत भीगो लेकिन मुझे मज़ा आता है। तो सर्दी लगा है वो दो चार दिन में चला जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश हर दिन नहीं आता, बारिश में भीगना ज़रूरी है, वो मैंडेटरी चीज़ है ना। तो अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 10:25-30, अभी तो फिर मेरे को सोने का टाइम नहीं हुआ है, मतलब सो जाने का टाइम हुआ है लेकिन नींद में चले जाने का वो टाइम अभी हुआ है। तो सोते हैं, नींद में जाने का टाइम तो 2-2.5 घंटे बाद है, फिलहाल सो जाता हूँ। कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें, कुछ बढ़िया फिल्म या फिर एक वेब सीरीज़ मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से देखूँ, डोम करके एक वेब सीरीज शायद मेरे ख्याल से अमेजोन प्राइम में, तो वो देखना पड़ेगा मुझे, वही देखते हैं या फिर कुछ और अगर बढ़िया मिल जाए तो वो देखते हैं। मेन बात है कि अभी थोड़ा सो जाता, तो फिलहाल साइनिंग ऑफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।